Hello everyone, today I, Ankita Virmani, faculty from Management Department, is here to discuss a very important topic of HR, that is quality of work life. तो सबसे पहले हम बात करते हैं quality of work life की. Quality of work life is a multifaceted concept. It means having a work environment where an employee activities become more important by implementing procedures or policies that make the work less routine and more rewarding for the employees. Quality of work life एक organization का वो work environment है जहाँ पर employees की activities को एक important part भी मानते हैं और उनके लिए उस तरीके के policies और procedures बनाते हैं जहाँ पर उनका काम कम से कम burden वाला हो और उसके behalf पर हम उनको better rewards भी provide करा पाएँ. अब हम बात करते हैं objectives of quality of work life की. तो सबसे पहला जो point है वो है to create a positive attitude. Yes, this is very important. अगर हमारा quality of work life better है तो वहाँ पर हम employees के मन में positivity feel कर सकते हैं और एक बेटर एटीट्यूड उनका क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. यस, उस दोनों में एक रिलेशन है. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और प्रोडक्टिविटी में एक रिलेशन है. अगर हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंप्लॉयज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होगा और अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और गोल्स भी इजिली अकम्प्लिश हो पाएंगे. इसके बाद हम बात करते हैं मेजर इश्यूज इन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पे एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज. अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की पे अच्छी नहीं है, हम उनको टाइमली रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर हम कभी भी एक बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन नहीं कर सकते. सेकेंड इज जॉब सिक्योरिटी. जब तक हम एम्प्लॉयज़ के मन में वो जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे तब तक भी एक बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस. अगर हमारा वर्किंग शेड्यूल अच्छा नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबल नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर भी बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन नहीं हो सकता. एंड अल्टीमेटली अगर हमारा एम्प्लॉय कैपेबल है, हम उनको अच्छा काम करवाना जानते हैं, उनके हम बट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, टाइमली रिसोर्सेज हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन नहीं कर सकते. इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज, ऐसे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम लेकर आए इसके अपार्ट जिससे हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव हो. तो सबसे पहले है सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स, जिसमें आता है ऑटोनॉमस वर्क ग्रुप्स, इंटीग्रेटेड वर्क टीम्स, प्लान कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ टीम लीडर, एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन. दीज ऑल थिंग्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. सबसे पहले एक एचआर मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने ग्रुप पे फोकस करे, एम्प्लॉयज की टीम्स बनाए, ग्रुप्स बनाए और उनको मोटिवेट करे कि वो ग्रुप में प्लान करें, कोऑर्डिनेट करें एक साथ और ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए वर्क करें. सेकेंड इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है. हमें एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना है ताकि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो और इससे भी हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन कर सकते हैं. थर्ड इज वर्कर सुपीरियर रिलेशनशिप. सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील ना हो कि उनको कहीं भी छोटा माना जा रहा है. एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग होनी चाहिए जो कि एक सुपीरियर को एम्प्लॉयज़ को फील करवानी है. द नेक्स्ट इज प्रमोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए. टाइम टू टाइम उन्हें प्रमोट करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हाइक करना, उनकी सैलरी में हाइक करना सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल. देयरफोर अब ऐसे क्या क्या बैरियर्स हैं जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में आते हैं. रेजिस्टेंस टू चेंज बोथ बाय मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ दोनों को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. लेकिन अगर वो रिजिड है तो वहाँ पर हम बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन नहीं कर सकते. इसलिए दोनों को अपने अपने पार्ट से समझना है, अपने आप में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं और फिर बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को भी मेंटेन करते हुए चलना है. एट लास्ट आई वुड टॉक अबाउट द कंक्लूजन विद ऑल ऑफ यू. Quality of work life basically is all about employees' involvement, which consists of methods to motivate employees to participate in decision making, and this helps in building a good relationship. And to retain a good talent, organization should have low stress level and high quality of work life. Yes, अगर हम एक अच्छा quality of work life बनाएंगे तो वहाँ पर हम employees को motivated feel करा सकते हैं, उनको participation में help करवा सकते हैं और ultimately इससे हमारी good relationship building भी होंगी. Thank you all of you.